मामला साल 2015 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी तो बाद बहबल कला दे विच कटिया गोलीकांड जिस विच दो सिख नौजवान मारे गए सी उस तो जुड़िया है जिन्हां दे पीड़ित परिवार अज भी इंसाफ दे लई सड़कां ते बैठे दे। इस गोलीकांड दे विच मारे गए सिखां दे परिवारों नूं एक साल बीत गया। नैशनल हाईवे 94 ते किनारे इंसाफ मोर्चा लगा के बैठे ने मगर इन्हां परिवारों नूं सरकार तों हले तक कोई भी आश्वासन जां इंसाफ नहीं मिलिया। परिवार दा कहना है कि मामला कोर्ट विच चल रहा है मगर सरकार ने हले तक चालान भी पेश नहीं किया जिस वजह तों इंसाफ दे विच देरी हो रही है। मौजूदा मान सरकार वल्लों 1.5 महीने दा समां दित्ता गया सी, वादा कीता गया सी, आश्वासन तों बाद हुण भी न्याय नहीं मिलिया। उन्होंने देर रात बैबल कलां दे विच एक मीटिंग की। इस दौरान नैशनल हाईवे 94 नूं स्थाई रूप तों बंद करन दा फैसला कीता है ते कल देर शाम नूं मुकम्मल बंद भी कर दिता जाएगा। मगर देर रात तक चली लंबी बातचीत तों बाद 7 जनवरी तक एक साइड चालू रहने ते सहमति बनी है। देर रात पंजाब दे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी भी सिख संगत अते पीड़ित परिवारां नूं मनाउण दे लई पहुंचे लेकिन उन्होंने बेरंग वापस जाना पाया। नाराज सिख संगत अते पीड़ित परिवार ने नैशनल हाईवे 94 ते हुण पक्के तौर ते टेंट लगा के पक्का धरना शुरू कर दिता है ते 7 जनवरी तों बाद फिर तों नैशनल हाईवे दे दोनों साइडां नूं बंद कर दिता जाएगा। देखो तैयारियां 1 करोड़ जिहड़ा बंद किया होया ही है ते जिवें तुसीं देखिया कि टेंट इत्थे लग रहा शाम तक जिहड़ी संगत है इत्थे स्टेज भी लगेगी उहदा असीं अज क्योंकि पहला दिन करके उहदी रूपरेखा जिहड़ी है स्टेज की किन्ने बजे चलाया करनी उह सारी है जिहड़ी जनतक भी करांगे तुहाडे माध्यम राहीं भी होगी ते सोशल मीडिया हैंडल ते भी सारा दस्या जाऊगा भी इन्ने तो इन्ने बजे तक जिहड़ी इत्थे स्टेज डेली चलिया करूगी ते रात नूं आ जिहड़ा उह तकरीबन स्टेज हर रोज़ ही चलूगी। रोड जाम नूं लै के की फैसला होया? रोड जाम है जी एक, दूसरा जिहड़ा रोड है उह 7 तरीक तक खुला क्योंकि जिहड़ा शहीदी हफ्ता चल रहा साढ़े फतेहगढ़ साहब का साहबजादियां का तो उहनूं मद्देनज़र रखते हुए संगतां दे जाण दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे ते संगतां नूं भी पता लग सके भी जिहड़ियां इतों जाणगियां शहीदी जोड़ मेले दे विच तां उहनां नूं भी इतों दस्या जाऊगा कि 7 तरीक तक ही इह रोड जिहड़ा खुल्ला रहेगा उस तों बाद पूर्ण तौर ते बंद कर दित्ता जाऊगा। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਅੱਧੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਊਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। जो यहाँ पे एजिटेशन में थे मोर्चा के लोग उनसे बात हुई है, एक साइड रोड खोली गई है और बाकी गलबात सारी हुई, हम लोग इन टॉक्स हैं और लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस है, अरेंजमेंट्स हमारे सारे हैं तो इनसे रल मिल के इनके साथ सहयोग से हम लोग रोड चलाएंगे। कुछ टाइम बाउंड किया है सर? देखिए इतना ही मैं कहूँगा, सारी चीज़ें अपनी ऑन ट्रैक हैं और जल्दी इसमें नतीजे मिलेंगे। सर कितनी तरीके तक रास्ता खुलेगा? रास्ता खुलेगा, हम गलबात है कि सब सारा अरेंजमेंट्स हम लोग बिल्कुल पीसफुल कराएंगे।